Hello students, today's topic is nursing assessment and history of physical assessment. Okay, history and physical assessment. So ये topic है हमारे oncology chapter से and this is the third part of this chapter. Okay, so today we are going to learn about the nursing assessment. Okay, जो nursing assessment होता है oncology में cancer में. Okay, कि कैंसर में कैसे उसकी डिटेक्शन होती है, कैंसर की कहाँ पर है, कौन सा स्टेज पे है. ओके, उसका फिज़िकल असेसमेंट कैसे करते हैं हम पेशेंट्स में, हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट इज हिस्ट्री ऑफ हेल्थ. ओके, सो जब भी हमारे पास कोई कैंसर पेशेंट आएगा एंड वो हमारे पास आकर के उसकी हिस्ट्री पहले बताएगा कि जैसे कि फैमिली में किसी को कभी कैंसर रहा है या फिर उसके ब्लड रिलेशंस में कोई है. ओके, उसका क्या हेल्थ हैबिट है, एक्सरसाइज करता है कि नहीं, स्मोकिंग, टोबैको ये सब कंज्यूम करता है कि नहीं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं कि नहीं, ये सब कुछ क्या है, हिस्ट्री है जो कि हम उसके पास्ट लाइफ के बारे में हम पेशेंट से पूछेंगे. ओके, तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हम क्या करेंगे, आस्क टू पेशेंट, यानी कि हमें पेशेंट से पूछना है कि हिस्ट्री ऑफ कैंसर इन फैमिली एंड ब्लड रिलेशंस. ओके, कि फैमिली में किसी को भी कैंसर या फिर ब्लड रिलेशन, यानी कि जैसे भाई है, बहन है, मम्मी पापा है, ओके, दादा है, दादी है, तो ये सब क्या है, हमारा ब्लड रिलेशंस है, तो इनको कभी कोई कैंसर का प्रॉब्लम रहा है कि नहीं. ओके, रहा है तो कौन सा रहा है. ओके, सो ये सब जितना भी है हमें उसके बारे में पूछना है. ओके, सो फर्स्ट हिस्ट्री हम ये इसके बारे में देंगे. सेकेंड इज अबाउट वर्क प्लेस. वर्क प्लेस के बारे में हम क्यों पूछेंगे पेशेंट से, क्योंकि कैंसर किसकी वजह से, ज़्यादातर किसकी वजह से भी होता है, स्मोक ज़्यादा हम अगर फैक्ट्री एरिया में काम करते हैं, ऐसे कोई एरिया जहाँ पे हमें कंटिन्यूस किसी केमिकल के एक्सपोजर में रहना पड़े, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी कैंसर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है. उसको क्या बोलते हैं हम, ऑक्यूपेशनल कैंसर, ऑक्यूपेशनल वर्क हैजार्ड बोलते हैं उसको, ठीक है. ऑक्यूपेशनल वर्क हैजार्ड मतलब हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा अगर नॉइजी एरिया में काम करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री साइड पे काम करते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो कान है वो पूरा दिन, जैसे अगर हमारा शिफ्ट 8 घंटे का है तो पूरे 8 घंटे हमें उस साउंड को सुनना पड़ेगा. उस साउंड को सुनने की वजह से क्या होगा, हमारा हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है कि कान से ब्लड निकले या फिर कुछ हो, ठीक है. तो ये सब क्या है, ये सब ये किस क्यों हुआ, क्योंकि वो वर्क प्लेस, यानी कि जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर वैसा एटमॉस्फेयर है. ओके, इसीलिए वर्क प्लेस के बारे में भी ज़रूरी है कि वो फैक्ट्री साइड पे काम कर रहा है कि कहीं पे कोई फैक्ट्री पे काम कर रहा है, कोई केमिकल एरिया में काम कर रहा है, इसके बारे में हमें पूछना है. ओके, नाउ थर्ड इज़ स्मोकिंग एंड अल्कोहल. हमें पूछना है पेशेंट से वेदर द पेशेंट इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम ऑफ स्मोकिंग, अल्कोहल और टबेको, ठीक है, टबेको, क्योंकि ये तीनों ही रीज़न है कि हमें कैंसर हो सकता है. ओके, सो ये रीज़न है हमें इसके हेल्थ हैबिट के बारे में पूछने का. ओके, फोर्थ हम पेशेंट से क्या हिस्ट्री लेंगे कि अगर उसका पास्ट में कोई ऑपरेशन हुआ है या फिर कोई मेडिकल कंडीशन रहा है, कुछ भी हुआ हो. ओके, तो उसका हम पूछेंगे कि कोई उसमें आपको ऐसा ड्रग है जो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं कि नहीं, ये पूछेंगे. दूसरा उसकी डाइटरी हैबिट. डाइटरी हैबिट मतलब कि वो कब लंच करते हैं, कब डिनर करते हैं, कब ब्रेकफास्ट करते हैं. ओके, क्योंकि क्या होता है, डाइटरी हैबिट के गड़बड़, यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी अगर आगे पीछे होता है डाइटरी हैबिट, तो उसकी वजह से हमें बहुत सारे हेल्थ का इश्यूज़ होता है. ओके, इसलिए डाइटरी हैबिट पूछेंगे. फिर उसके लाइफस्टाइल पूछेंगे. लाइफस्टाइल मतलब कि कब सोना होता है, कब वर्किंग आवर होता है उनका, या फिर कब वो बाहर घूमने जाते हैं, उसका क्या क्या कंज्यूम करते हैं, क्या क्या खाते हैं, पीते हैं, ये सब क्या है, पूरा उसका लाइफस्टाइल के बारे में हिस्ट्री है. ओके, नेक्स्ट क्या है, चेंजेस इन द बोल पैटर्न. चेंजेस इन द बोल पैटर्न मतलब कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर उसको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम हो रहा है, यूरिनेशन में दिक्कत हो रहा है, या फिर स्टूल 2 या 3 दिन में के बाद जा कर के एलिमिनेट करते हैं, या यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है. ओके, तो ये सब क्या है, उसका बोल पैटर्न है, उसमें कोई चेंजेस आए तो हमें उसको भी पूछना है. ओके, तो ये क्या है, उसकी हिस्ट्री लेने का तरीका है. ओके,
हमने हिस्ट्री ले लिया, अभी हम क्या करेंगे, पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है? फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है कि फिजिकल एग्जामिनेशन क्या होता है, ऑस्कल्टेशन होता है, पालपेशन होता है ना, यानी कि जो चीज़ हम टच करके करें, टच करके हम महसूस करके किसी को डायग्नोस करें पेशेंट को, तो वो क्या होता है, वो होता है पालपेशन, पालपेट करना। ऑस्कल्टेशन मतलब कि हम अगर हियरिंग से सुने, फॉर एग्जाम्पल उसका हार्ट बीट हो गया, ओके, या फिर ऐसा कोई नॉइजी चीज़ है जो कि पेशेंट को पालपेट करने के बाद, ऑस्कल्टेट करने के बाद हमें सुनाई दे रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्कल्टेशन। ओके, इसी तरीके से जो फिजिकल एग्जामिनेशन है वो हमें करना है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, इन द अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर द सिम्टम्स ऑफ द कैंसर इज़ वेरी फ्यू। क्या लिखा है, मतलब कि इसमें ये बोलना चाह रहा है कि जो कैंसर होता है उसका जो अर्ली स्टेज मतलब कि वो स्टेज जबकि हमें पता होता है, जैसे हमें तुरंत पता चलता है कि कैंसर है और वो बहुत उसके अर्ली स्टेज में है, ठीक है, तो उस स्टेज में क्या होता है, कोई भी सिम्टम्स का, साइन का देखना मुश्किल होता है। ओके, बहुत ही कम सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है, इसीलिए क्या करेंगे हम, उस स्टेज में फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब क्या होता है, पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन। ओके, उसके सर से लेकर के उसके पाँव तक का पूरा एग्जामिनेशन किया जाता है, जैसे कि अगर हेड से स्टार्ट करें हम तो उसका हेयर, उसका कलर कैसा है हेयर का, ओके, और उसके हेयर फॉल हो रहा है कि नहीं, और फिर हम नीचे आएंगे तो उसका आईज़ आएगा, तो आईज़ का एग्जामिनेशन होगा। ओके, फिर नीचे आते हैं तो नेक के पास इसका एग्जामिनेशन होगा। ओके, देन उसके बाद में आ गया यहाँ पे लंग्स, एक्सट्रीमिटी, फिर नीचे गए तो लेग्स हो गया, एक्सट्रीमिटीज़ हो गया, टो हो गया, ठीक है, यानी कि क्या है, पूरा हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है इन फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर का क्या मतलब होता है कि हम कैंसर के होने से पहले इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं हम प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। सो प्रिवेंशन ऑफ कैंसर में क्या आएगा, इट इज़ अ प्रायोरिटी इन ऑन्कोलॉजी नर्सिंग, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द कैंसर आर प्रिवेंटेबल। सो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर हम ऑन्कोलॉजी में प्रिवेंशन का पता कर ले, अगर उसको प्रायोरिटी पे रखे प्रिवेंशन को, तो क्या होगा, जो 1/3 ऑफ द कैंसर है वो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल मतलब कि उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ट्रीट करके पेशेंट का जो डेथ रेट है वो कम हो जाएगा, ठीक है, तो अगर उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं दैट मीन्स हम कैंसर को भी धीरे धीरे करके कंट्रोल कर लेंगे। ओके, पेशेंट की ऐसी नौबत नहीं आएगी कि वो उसकी डेथ हो जाए, ठीक है, या फिर उसका जो कैंसर है वो एडवांस एज में चले जाए। ओके, तो यही रीज़न कि हम प्रिवेंशन ऑफ कैंसर अभी पढ़ रहे हैं। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज 30-50% ऑफ ऑल कैंसर इज प्रिवेंटेबल। तो क्या बोल रहा है कि 30-50% जो कैंसर है, टाइप ऑफ कैंसर है, वो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल मतलब कि ट्रीटेबल है, जिसको कि हम ट्रीटमेंट से ठीक कर सकते हैं। ओके, यानी कि सिर्फ 30-50% कैंसर्स प्रिवेंटेबल है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर, यानी कि हम कैंसर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका क्या क्या रिस्क फैक्टर होता है। ओके, सो फर्स्ट रिस्क फैक्टर क्या है, टोबैको। टोबैको मतलब कि जो जो मेल्स च्यू करते हैं टोबैको, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं, ओके, सो टोबैको जो मेल्स, मोस्टली जो मेल्स है वो टोबैको च्यू करते हैं, ठीक है, तो टोबैको एक रीज़न है कैंसर होने का, माउथ कैंसर होने का। ओके, सो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर को, टोबैको, हम जो भी पेशेंट जो टोबैको ले रहा है या फिर कोई भी इंसान जो ले रहा है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में बताएं कि टोबैको लेने से क्या क्या होता है। टोबैको के पैकेट में ही खुद लिखा होता है कि टोबैको किल्स। ओके, यानी कि वो एक 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 बता रहा है हमें तरीका, जिसकी कि हमें पता होता है कि इसके वजह से कैंसर हो सकता है, इसके वजह से मौत हो सकती है, इसलिए तो टोबैको एक रिस्क फैक्टर है, और इसको अगर हम पेशेंट को ना लेने दें तो क्या हो सकता है, प्रिवेंट कर सकते हैं हम कैंसर को। ओके, नेक्स्ट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब क्या होता है, मोटापा, ठीक है, तो ओबेसिटी रीज़न है बहुत सारी डिजीज़ का, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, ओके, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, कैंसर है, ओके, कैंसर कहाँ का, स्टमक का, कोलोन का, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है, तो इस सब के रीजन, ओबेसिटी के रीजन से कैंसर होने का भी बहुत चांसेस होता है। ओके, देन
फिज़िकल इनएक्टिविटी। फिज़िकल इनएक्टिविटी मतलब क्या होता है कि फिज़िकल एक्टिविटी का ना होना, यानी कि कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई हलन चलन नहीं, ओके, कोई कोई भी फिज़िकल वर्क नहीं करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी है वो बहुत ही इमोबाइल हो जाता है, कहीं घूमना फिरना नहीं होता, तो क्या होता है बॉडी एक ही जगह एक ही कंडीशन में रह रह के क्या होता है, हमारा जो पूरा फिज़िकल स्ट्रक्चर है, पूरा फिज़िकल एबिलिटी है, वो सब ख़त्म हो जाता है, ओके। तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक रिस्क फैक्टर है जिससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट इज़ अल्कोहल। अल्कोहल इज़ शराब, ओके। तो इसको अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कर ये बताएं कि अल्कोहल लेना इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ओके। अगर हम कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो उसके ऊपर फर्स्ट जो हमें मैसेज मिलता है वो क्या होता है कि अल्कोहल कंजम्पशन इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ओके। तो ये साफ साफ लिखा है कि दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, ये एक डेथ का रीज़न हो सकता है, ये बहुत सारी बीमारियों का रीज़न हो सकता है। तो इसके अगर इसको हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में अवेयर करें तो क्या होगा, हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज़ सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर क्यों, क्योंकि अगर क्या होता है कि जो सन है, ओके, तो उसके एक्सपोजर में आकर के अगर हम उसको कंटिन्यू एक्सपोजर में हैं तो उसके रेडिएशन की वजह से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, स्पेशली कहाँ का, स्किन का, ओके। तो स्किन कैंसर हो सकता है और ये भी एक रीज़न है कि हम इसको कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं कम से कम धूप में एक्सपोजर हो करके, ओके। देन नेक्स्ट इज़ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, बहुत सारे कैंसर हो सकते हैं, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है कैंसर को प्रिवेंट करने का, ओके। देन नेक्स्ट इज़ एनवायरमेंटल पोल्यूशन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब कि हम जहाँ भी जिस भी जगह में रह रहे हैं वहाँ का अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत ज़्यादा नॉइजी एरिया है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत सारी हम डिजीज़ को हम देखते हैं इसके वजह से, ओके। सो इसको कंट्रोल कर ले तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्ट इज़ ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजन, ओके। ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजन की बात हमने कहाँ की थी, अभी वर्क प्लेस में, जैसे हम जो पेशेंट का हेल्थ हिस्ट्री ले रहे थे वहाँ पे हम उसके वर्क प्लेस में पूछते हैं, ओके। तो वर्क प्लेस को ही बोलते हैं हम ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजन, ठीक है। मतलब कि हम जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, जिस भी फैक्ट्री में, जिस भी जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे अगर हम किसी फैक्ट्री साइट पे काम कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ का जो जैसे कि हम किसी सिल्क फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ का जो बहुत सारे चीज़ें ऐसे होता है, वहाँ का बहुत सारी चीज़ें डस्ट ऐसा होगा जिसकी वजह से कार्सिनोजन हो सकता है। कार्सिनोजन मतलब क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल इंटू कैंसरस सेल, इसको हम कल हमने पढ़ा था ना कार्सिनोजिनेसिस में, तो ऑक्यूपेशनल कार्सिनोजिनेसिस भी यही होता है कि अगर किसी जगह पर हम पर्टिकुलर जगह पर काम करते हैं तो उसकी वजह से भी कैंसर हो सकता है, ओके। तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है जिससे कि हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके, क्लियर। देन नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। प्रिवेंशन ऑफ कैंसर का दो टाइप है, फर्स्ट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन एंड सेकेंड इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन, ओके। प्राइमरी का मतलब क्या होता है, पहला, और सेकेंडरी का मतलब क्या होता है, दूसरा, ओके। द फर्स्ट इज़ प्राइमरी प्रिवेंशन। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन इज़ द बेसिक स्टेप्स वी डू टू स्टे अवे फ्रॉम द कैंसर, ओके। हम बेसिक चीज़ जो फॉलो करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जैसे कि रोज़ एक्सरसाइज करने लगे, रोज़ अगर अच्छा डाइट फूड ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं, सन के एक्सपोजर में कम आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या है, बेसिक चीज़ें जो हम अपने हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए कर रहे हैं, ओके। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में फर्स्ट क्या है, डाइटरी चेंजेस। डाइटरी चेंजेस मतलब कि टाइम पे खाना और परफेक्ट चीज़ें खाना। परफेक्ट चीज़ें मतलब कि वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स, जूस, सैलेड, बैलेंस्ड डाइट, सारे मिनरल्स का कंजम्पशन करना, ओके। तो ये सब क्या है, डाइटरी चेंजेस करना, ओके। देन नेक्स्ट इज एजुकेशन टू पब्लिक रिगार्डिंग रेडिएशन एक्सपोजर टू सनलाइट एंड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ओके। लोगों को इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एडुकेट करना कि रेडिएशन की वजह से भी कैंसर होता है, सो इसके एक्सपोजर में ज़्यादा ना जाएं, ठीक है। देन एनवायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से भी जो कैंसर है वो फैल सकता है, हो सकता है, ओके। देन नेक्स्ट इज फिज़िकल एक्सरसाइज। अगर हम खुद को फिट रखें, रोज़ एक्सरसाइज करें, मेडिटेट करें, योग करें, तो क्या होता है, इसके वजह से हम बहुत सारे कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ रेगुलर हेल्थ चेकअप। रेगुलर हेल्थ चेकअप मतलब कि क्या होगा, एवरी टू थ्री मंथ्स में हमें अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, ओके। स्पेशली अगर गर्ल्स है, वुमेन है, तो उसको अपना पूरा बॉडी चेकअप,
स्पेशली कैंसरस पार्ट, मतलब कि अगर कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा होता है फीमेल्स में, तो वो कौन सा होता है? सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और बाकी भी है, लेकिन गर्ल्स में ये क्या है, ये कॉमन है। तो रेगुलरली उनको ये है कि वो जा कर के अपना हेल्थ चेकअप करवाए, ओके। एंड मेल्स में भी है कि वो जा कर के रेगुलरली अपना हेल्थ चेकअप करवाएँ, जैसे कि बीपी है, ब्लड है, ब्लड शुगर है, ओके। एंड उनका स्पेशली जो माउथ कैंसर होता है, तो माउथ का अच्छे से चेकअप करवाएं, पूरा बॉडी चेकअप करवाएं, ये सब कुछ हमें उनको एडुकेट करना चाहिए, ओके। देन लास्ट इज एलिमिनेट स्ट्रेस। एलिमिनेट स्ट्रेस क्यों? क्योंकि जो स्ट्रेस है उसकी वजह से बहुत सारी डिजीज़ होने का चांसेस होता है, ओके। तो इसीलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कर सकते हैं योग करके, मेडिटेट करके, ओके। तो ये क्या है, एक सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ थे, प्राइमरी प्रिवेंशन से थे, जिससे कि हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन हम कैसे करते हैं? हमें पता है कि अब प्राइमरी, फॉर एग्जांपल जैसे कोई पेशेंट है उसको ऑलरेडी कैंसर है, ओके। तो अगर कैंसर है तो उसका प्राइमरी प्रिवेंशन तो अब हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक एडवांस स्टेज में आ गया, ठीक है। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? अगर कैंसर हो गया तो उसको अर्ली डिटेक्ट करवा के, अर्ली डिटेक्शन मतलब कि उसका जो हेल्थ चेकअप है वो जल्दी से जल्दी, अगर बाई चांस सिम्टम्स उसके दिखने लग गए हैं तो जल्दी से जल्दी जा करके उसका जो हेल्थ चेकअप है वो करवाना चाहिए, ओके। और नेक्स्ट क्या है, उसकी स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग एक ऐसा डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जिसकी वजह से हम उसका जो कैंसर है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। सो स्क्रीनिंग के बारे में हम आगे पूरे एक्सप्लेन करके, आगे इलैबोरेट करके पढ़ेंगे, ओके। देन नेक्स्ट इज फिजिकल एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई लंप, लीजन एंड टेस्ट्स, ठीक है। लंप क्या होता है? लंप होता है कि बॉडी के अंदर एक गांठ जैसा होना, ओके। इसको लंप को बोलते हैं हम, गांठ जैसा होना, ठीक है। और वो लंप क्या होता है? एकदम पेनलेस होता है, उसमें कोई पेन नहीं होता है। और लीजन क्या होता है? लीजन होता है स्किन के ऊपर एक गांठ जैसा होना, ठीक है। यानी कि लंप क्या होता है? स्किन के अंदर होता है, और लीजन क्या होता है? स्किन के ऊपर हमें दिख रहा होता है, ओके। तो इन सब का एग्जामिनेशन में, टेस्ट में इन सब का पाना, ठीक है। तो ये क्या होता है? कैंसर का ये सब सिम्टम्स है, ओके। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम ये सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एग्जाम्पल जो लंप लीजन्स है, टेस्ट में कब कब मिलता है, कौन से कंडीशन में मिलता है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मेमोग्राम। मेमोग्राम क्या होता है? मेमोग्राम एक ऐसा टेस्टिंग टेक्निक है जो कि फीमेल्स के लिए बनाया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उनको अगर ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है? मेमोग्राम एक टेस्ट होता है, एक तरीका होता है जिससे कि हम उसकी कैंसर है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ओके। पैप स्मियर क्या होता है? पैप स्मियर भी एक टेस्ट होता है जो कि सर्वाइकल कैंसर को पता करने के लिए होता है, ठीक है। पैप स्मियर का फुल फॉर्म है पेपिनो कोलो टेस्ट, ओके। PAPANICOLAU, ठीक है, पेपिनो कोलो टेस्ट पैप स्मियर का फुल फॉर्म है, जो कि इसलिए होता है ताकि हम कैंसर, सर्वाइकल कैंसर को हम डिटेक्ट कर सकें, ओके। देन नेक्स्ट इज क्या है, हम ये सब कुछ पिक्चर्स है जो कि हम जो प्राइमरी प्रिवेंशन है और सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए हम बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन क्या क्या था, कि हम टोबैको, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्कोहल कंजम्पशन, इन सब को अगर हम कंट्रोल कर ले तो हम जो प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर, ओके। तो उसी तरीके से अगर कोई बहुत ज़्यादा हार्मोनल पिल्स लेते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल चाइल्ड बर्थ एंड कंट्रोल पिल, ओके, प्रोजेस्टेरोन का इंजेक्शन, तो ये सब क्या है? हार्मोन्स है जो कि हम बाहर से ले रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के इंजेक्शन की वजह से क्या होता है? बहुत सारे कैंसर होने का चांसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डाइट्री फैक्टर। डाइट्री फैक्टर मैंने बताया था जो प्राइमरी प्रिवेंशन होता है उसमें होता है, ओके। सो अगर डाइट को हम अच्छे से ले ले, अच्छे उसको परफेक्ट टाइमिंग पे ले ले, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट की जो डाइट है वो टाइम पे ले, तो क्या होता है? उसकी वजह से भी हम काफ़ी ज़्यादा प्रिवेंट कर सकते हैं कैंसर को, ओके। नेक्स्ट क्या है? जेनेटिक एंड हेरिडिटी। तो जेनेटिक एंड हेरिडिटी कंडीशन में जो कंडीशन होता है, जो कैंसर होता है, उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय जेनेटिक टेस्टिंग, ओके। देन नेक्स्ट क्या है? केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट मतलब कि क्या है? हम प्राइमरी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? कि टोबैको अगर ना लें, उनको, लोगों को ज़्यादा ज़्यादा एडुकेट करें इसके बारे में, ये करके, ओके।
नेक्स्ट क्या है, केमिकल एजेंट टबैको, टबैको सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, इन सब का कंजम्पशन ना करें तो. ओके, नेक्स्ट इज़ फिजिकल एजेंट. फिजिकल एजेंट में क्या है, सनलाइट है, सनलाइट के एक्सपोजर की वजह से भी कैंसर होगा, स्पेशली स्किन कैंसर. देन वायरस एंड बैक्टीरिया के वजह से, एंड वायरसेस एंड बैक्टीरिया एंड स्पेशली वायरसेस के वजह से. ओके, सो ये क्या था, हमारा टॉपिक था आज फिजिकल असेसमेंट एंड हिस्ट्री ऑफ कैंसर. ओके, सो ये आज का टॉपिक था. अभी नेक्स्ट फर्दर वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक यू.